नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। अभी एक मैसेज आया था, मुझे ईमेल आया था कि परमानेंट रेसिडेंस विद फैमिली यूड रियूनियन, कोई सब्सक्राइबर है हमारा राजा खुर्रम करके जो ब्राजील में रह रहे हैं, और उन्होंने परमानेंट वीज़ा अप्लाई किया था शायद फैमिली रियूनियन के बेसिस पे। लिखा है कि आई वॉज मैरिड टू अ ब्राजीलियन वूमेन इन 2022, बट कुछ रीजंस की वजह से वो डाइवोर्स चाहती हैं, और उनका ये क्वेश्चन है कि हम लोग सेपरेट हो जाएंगे अगर, तो परमानेंट रेसिडेंस कैंसिल होगा या वो रिटेन कर रहेंगे। ये उनका क्वेश्चन है। नाम से राजा खुर्रम, वो मुझे लग रहा है पाकिस्तानी होंगे, और उनके और भी सवाल थे कि रिलेशनशिप लिविंग टुगेदर, शायद लिव इन रिलेशनशिप वाला केस है और कार्टोरियो में रजिस्टर्ड है। सेपरेट हुए तो क्या पीआर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होता है, या फिर उनको कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट करेंगी उनकी वाइफ फेडरल पुलिस में तब कैंसिल होगा। तो ये उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो दोस्तों, इन्होंने 2022 में लिया है पीआर, तो अभी तो एक आध साल ही हुआ है, तो डेफिनेटली कैंसिल हो सकता है अगर आपने फैमिली रियूनियन के बेसिस पे लिया, जैसे शादी करके या लिव इन रिलेशनशिप के बेसिस पे। उसको स्टेबल यूनियन बोलते हैं, तो अगर स्टेबल यूनियन के बेसिस पे या फिर शादी करके लिया है तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो सकता है अगर तलाक होगा तो। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तुमने तलाक ले लिया और कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखना, कुछ भी पुलिस का केस होगा, कुछ भी हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, पुलिस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होगा वहां, उसमें प्रूफ चाहिए रहता है। हवा में बातें नहीं चलती, आप समझ रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? अगर मैंने मान लो कुछ किया है तो उसका आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ होना चाहिए ना उसका। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फैमिली रियूनियन का भी ऐसे ही है, तलाक होगा तो कैंसिल नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, कैंसिल करा सकती है वाइफ, लेकिन फिर वही है, उसको फॉर्मल कंप्लेंट देनी पड़ेगी फेडरल पुलिस में जाके, अगर वो फिर वही उसमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट लगेगा। तो ईजी नहीं है, फॉर्मल कंप्लेंट दोगे डाइवोर्स सर्टिफिकेट के साथ कि एक्स वाई जेड बंदे ने शादी करके या स्टेबल यूनियन के बेसिस पे पीआर लिया था, अब हम लोग सेपरेट हो गए हैं, तो फिर वो आपको नोटिस देंगे। वो प्रोसेस है उसका, ठीक है, कि आप 30 डेज में या 90 डेज में, कुछ ऐसा होगा, 60 डेज में आप रिपोर्ट करो, है ना। तो बहुत सारे फॉरेनर क्या करते हैं, वो तो डिसअपेयर हो गए, ऐसे केसेस देखे मैंने फेडरल पुलिस की वेबसाइट पे, डिटेल्स रहते हैं कई बार, ऐसे नहीं मिलेगा आपको, वो ट्रिक से जाना पड़ता है, ठीक है। डिटेल्स देखे हैं कि बंदा गायब हो तो पुलिस क्या करेगी, तो ऐसे भी केसेस होते हैं, ठीक है। तो फेडरल पुलिस जो है उसका पूरा प्रोसेस है, और हो सकता है, और ऑटोमेटिकली नहीं होता। तो यही रहता है कि भाई बात कर लो, और ब्राज़ीलियन जो महिलाएं हैं वो जो हैं काइंड हार्टेड हैं, ज़्यादा एग्रेसिव ऐसी नहीं है बहुत सारे केसेस में। वहाँ पे कैसा वो जैनो वाला हिसाब चलता है, जियो और जीने दो जैसे जैन है ना, और भी बड़े जैन है वहाँ पे, वो लोग जियो और जीने दो भाई, ठीक है, अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहा है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम पीआर है तुम्हारे पास, ब्राज़ील में रहो, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। कुछ महिलाएं होती हैं जो उनको फिर वो हो जाता है कि भाई ये तो वीज़ा ले लिया मुझसे शादी करके या कुछ है, तो फिर वही है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करता, वो जाएंगे वहाँ, उनको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, डाइवोर्स सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट केस, जो भी करना है, सब में ब्यूरोक्रेसी है सर। और ब्राज़ील के लोग बहुत चिल हैं कि मरने दो ना जाने दो, अपने को क्या करना। ब्राज़ील के लोग बहुत ज़्यादा चिल हैं और टेंशन नहीं लेते, ठीक है। कुछ ज़्यादा सीवियर मैटर होगा, कुछ होगा तो वो लोग करते हैं, जैसे पैसा इन्वॉल्व होगा, कहीं कुछ होगा तो मे भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे केसेस में यूजुअली नहीं देखा मैंने। तो आप क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, क्या रीज़न है अगर वो तलाक दे रही है या सेपरेट हो रही, कुछ भी, तो आप उससे बात कर सकते हो, हर चीज़ से आप लोग सुलझा सकते हो मामला। और दूसरी चीज़, अगर आपको 4 साल हो जाएंगे ना पीआर के साथ, फैमिली रियूनियन के बेसिस पे अगर आपने पीआर लिया और 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक नया लॉ आया है, मेरे भारत आने के बाद आया वो लॉ, ठीक है। तो वो उस पर भी वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वो देखो। 4 साल बाद आप परमानेंट वीज़ा दूसरा अप्लाई कर सकते हो, कि 4 साल आप फैमिली रियूनियन पीआर के होल्डर थे, तो अब आपको
दूसरा वीजा वो लोग दे देंगे, परमानेंट ही रहेगा वो भी, लेकिन फिर वो कैंसिल रेसेंट का उसमें कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते थे कि भाई एक साल बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो लोग सिटीजनशिप ले लेते हैं, फैमिली रियूनियन के केस में एक साल के बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर वो लोग सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुरू से समझाते आया हूँ, शादी या उसके चक्कर में मत पड़ो, पीआर मत लो, डॉक्यूमेंट मत बनवाओ, अगर जेन्युइन केस है तो शादी करो कि हाँ सच सच में ही साथ में रहना है, प्यार है, ऐसा कुछ जेन्युइन केस है तो शादी करो, नहीं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मत करो, उसमें आपको बाद में फिर कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ऐसा क्या शॉर्टकट का रास्ता अच्छा नहीं है ना, तो अगर वो नहीं करोगे फिर वही है, आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा और टाइम लगता है उसमें। तो ये है इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे और वीडियो कुछ आप चाहते हो और कुछ क्वेश्चन है आपके, बेझिझक मेल करो, कमेंट करो, कमेंट करोगे वो ज़्यादा इजी रहता है, मेल वेल रेगुलरली नहीं देख पाते, कमेंट तुरंत आता है, शॉर्ट में रहता है, कमेंट कर सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बातचीत करके भी सुलझा सकते हो, और जैसा मैंने बताया कोई पुलिस के पास जाते नहीं बैठता, वहाँ बहुत सब में कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, फिर वही है वो अपॉइंटमेंट दे देंगे कि इस तारीख को तुम डाइवोर्स सर्टिफिकेट ये सब लेके आप समझे, पुलिस को काम नहीं करना रहता ना, ये प्रॉब्लम है, पुलिस को काम नहीं करना रहता, वो इंडिया में हो ब्राज़ील में हो सब जगह पुलिस एक जैसी है, उनका नेचर ऑफ वर्क सेम है, ठीक है, लोग पर्सनल प्रॉब्लम लेके चले जाएंगे, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम लेके पुलिस के पास चले जाते, उसमें वो लोग क्या करेंगे, आईपीसी सेक्शन कहीं आईपीसी का कोई सेक्शन वॉयलेट हो रहा हो तो पुलिस कुछ कर सकती है ठीक है, लेकिन लोग नॉन कॉग्निजेबल वाली सारी कंप्लेंट सब कुछ लेके चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है और उससे और दुश्मनी दुश्मनी और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भाई और बहनों और कुछ इसमें आपको जानकारी चाहिए हो तो बताएं मुझे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।